हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक्सट्रीम कंप्यूटर पाठशाला में। आज ये हमारी वेलकम एम्ब्रॉयडरी स्टूडियो E4.2 की छठी ट्यूटोरियल है। आज इस ट्यूटोरियल में मैं आपको टॉगल टूल बार के जो आइकॉन है उसके बारे में बताऊंगा, वो सब कैसे काम करते हैं वो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। आप ये यहाँ पे देख सकते हो, ये टॉगल टूल बार है। जब भी आप पंचिंग करते हो, पंचिंग मीन्स की डिजाइन कैसे चलाना है वो आप सब सेट करते हो, तब आपको मशीन को आगे पीछे चलाना होता है। तो ट्रायल टूल बार उसी के लिए ही दिया गया है इस सॉफ्टवेयर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारा ट्रायल टूल बार है। तो इसमें पहला है, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्ट एंड एंड डिजाइन, इसका शॉर्टकट की होम और एंड है। इसके ऊपर अगर आप राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा ये कैसे काम करता है। तो ये हमारा पहला है स्टार्ट एंड एंड डिजाइन, आप देख सकते हो। अगर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे और लेफ्ट क्लिक करोगे, अगर आप लेफ्ट क्लिक करोगे तो मशीन होम पॉइंट पे आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो ये डिजाइन है, इतना इसका पहला स्टेज है जहाँ पर, वहाँ पे आपका मशीन आ जाएगा अगर इसके ऊपर आप लेफ्ट क्लिक करोगे तो। और राइट क्लिक करोगे फ्रेंड्स तो जितना भी डिजाइन है वो पूरा का पूरा मशीन चल जाएगा, और जो आपके डिजाइन का एंड स्टिच, ये लास्ट स्टिच है यहाँ पे आप देख सकते हो, वहाँ पे आपका मशीन चला जाएगा। यह है ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट, इसका शॉर्टकट की शिफ्ट टी और कंट्रोल टी है। तो अगर आप शिफ्ट टी दबाओगे तो आप देख सकते हो मशीन सिंगल सिंगल जो ऑब्जेक्ट होता है आपका पूरा उसको चलाएगा। शिफ्ट टी करोगे तो पीछे चलेगा और कंट्रोल टी करोगे तो मशीन आगे चलेगा। इसको यहाँ से आप राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक करके भी चला सकते हो, आप देख सकते हो। यह है ट्रैवल बाय सेगमेंट, इसका शॉर्टकट की कंट्रोल लेफ्ट एरो और कंट्रोल राइट एरो। कंट्रोल दबा के रखोगे और लेफ्ट एरो दबाओगे तो आप देख सकते हो। ये सेगमेंट मीन्स फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा ये शेप का सेगमेंट है। बाद में जो यहाँ स्टिचेस लगते हैं जॉइंट पे, वो अलग अलग सेगमेंट में आते हैं। तो ये आप देख सकते हो ऐसे चलता है, ये सेगमेंट वाइज चलता है, आप देख सकते हो। आगे है ट्रैवल बाय कलर, इसका शॉर्टकट की पेज अप और पेज डाउन है। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो आगे चलेगा, लेफ्ट क्लिक करोगे तो पीछे चलेगा, आप देख सकते हो। इसका शॉर्टकट की है पेज अप और पेज डाउन, देख सकते हो। पेज अप करेंगे तो पूरा एक सिंगल कलर चल जाएगा, फिर से पेज अप करेंगे तो फिर से एक कलर चल जाएगा, पूरा का पूरा कलर वाइज चलता है, आप देख सकते हो। और एक कलर ले लेते ताकि आपको बराबर मालूम पड़े, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने तीन चार कलर ले लिए, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो ये कलर वाइज पूरा मशीन चल जाता है आगे और पीछे। पेज अप करेंगे इसका शॉर्टकट की, पेज डाउन करेंगे, देख सकते हो। तो ये हो गया ट्रैवल बाय कलर। ये आप देख सकते हो ट्रैवल बाय फंक्शन, इसका शॉर्टकट की कंट्रोल पेज अप और कंट्रोल पेज डाउन है, देख सकते हो। इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा यहाँ पे फंक्शन देख रहे हैं आप, ये फंक्शन है। जहाँ पे ये फंक्शन आएगा वहाँ पे मशीन स्टॉप हो जाएगा और आगे चलेगा और पीछे चलेगा, आप देख सकते हो। यहाँ पे ये जंप है, ये एक फंक्शन है। तो यहाँ पे मशीन रुकेगा, अगर ये पूरा का पूरा ऐसा जॉइंट शेप आ जाएगा तो आप देख सकते हो पूरा का पूरा चल जाएगा। तो आपको डिजाइन में जहाँ पे जंप है वहां पे मशीन रोकना है तो इसे ट्रैवल बाय फंक्शन से आप आगे पीछे ले सकते। जहाँ पे जंप आएगा, अगर और कोई फंक्शन है सीक्वेंस है तो वहां पर भी मशीन रुक जाएगा। जहाँ पे भी फंक्शन होता है वहां पे सिंगल सिंगल स्टिच चलेगा, राइट राइट कंट्रोल पेज डाउन, आप देख सकते हो कंट्रोल पेज अप। तो ये हमारा हो गया ट्रैवल बाय फंक्शन, ट्रैवल बाय ट्रिम, आप देख सकते हो। जहां पर भी ट्रिम होगा
वहां पर मशीन आपका रुकेगा, आप देख सकते हो। राइट और लेफ्ट क्लिक, लेफ्ट क्लिक से पीछे चलेगा और राइट क्लिक से आगे चलेगा। इसका शॉर्टकट की है अल्टर लेफ्ट एरो और अल्टर राइट एरो, आप देख सकते हो। मैंने अल्टर दबा के रखा है, ये लेफ्ट एरो और ये राइट एरो, ऐसे चलता है, आप देख सकते हो। ये है ट्रैवल बाय 1000 स्टिच, मतलब कि 1000 स्टिच पीछे चलेगा और 1000 स्टिच आगे चलेगा। इसमें 1000 स्टिच नहीं है, मैं पूरा करके आपको बताता हूँ। 744 हुए यहाँ पे, आप देख सकते हो, और ये 1000 से आगे चला गया। इसके ऊपर आप देख सकते हो, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करेंगे पीछे और आगे, तो ये फिक्स 1000 स्टिच आगे चलता है और 1000 स्टिच पीछे चलता है। और इसका शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस नमलॉक माइनस और शिफ्ट प्लस नमलॉक प्लस, आप देख सकते हो, माइनस पीछे प्लस आगे, शिफ्ट नमलॉक प्लस और माइनस। शिफ्ट और नमलॉक आपको दबा के रखना है, बाद में प्लस माइनस दबाना है, आप देख सकते हो। ऐसे काम करता है ये, इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है। डिजाइन बनाने में आपको ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, इनकी ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। 1000, 100 और 10 ये कम यूज में आता है। ये यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रैवल 100, मतलब कि 100 स्टिच आगे चलेगा और 100 स्टिच पीछे चलेगा। इसका शॉर्टकट की है नमलॉक प्लस और नमलॉक माइनस। नमलॉक माइनस तो पीछे चलेगा, नमलॉक प्लस करोगे तो मशीन आपके डिजाइन को आगे चलाएगा, देख सकते हो, ये पीछे चल रहा है, अब ये मशीन आगे चल रहा है, आप देख सकते हो। आगे देखेंगे ट्रैवल 10 स्टिच, इसका शॉर्टकट की है अप एरो और डाउन एरो, अब देख सकते हो, अब देख सकते हो, अप एरो और डाउन एरो दबाओगे तो 10 स्टिच आगे चलेगा और 10 स्टिच पीछे चलेगा। इसका यूज थोड़ा बहुत होता है, ज़्यादा भी नहीं होता है। अगर थोड़ा ज़्यादा स्टिच चलाना है तो इसका यूज कर सकते हो, 10 स्टिच आगे और 10 स्टिच पीछे। इसका शॉर्टकट किए अप एरो और डाउन एरो। और यहाँ पे आप देख सकते हो सिंगल स्टिच है, इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो सिंगल स्टिच चल रहा है आगे। ये राइट क्लिक से आगे चलेगा और लेफ्ट क्लिक से पीछे चलेगा, आप देख सकते हो। इसका शॉर्टकट की है राइट और लेफ्ट, आप देख सकते हो राइट और, ये मैं राइट दबा रहा हूँ तो मशीन पीछे चल रहा है, एक एक स्टिच ही पीछे चलेगा और राइट एरो से एक एक स्टिच आगे चलेगा। ये आपको पंचिंग के वक्त बहुत काम में आने वाला है, तो आपको बराबर से इसका प्रैक्टिस कर लेना है। तो इस ट्यूटोरियल में इतना ही, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। मिलेंगे अगले ट्यूटोरियल में। अगर आपको ये ट्यूटोरियल मेरा अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि आने वाले ट्यूटोरियल का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।